पिनी वगैरह का पूरा सच दिखाऊंगा मैं आपको, क्या सच है इनका। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, वो वाला सीन है इनका। तो भाई मतलब 200 पॉइंट वो बता रहा था जो इंस्पेक्शन करना आया, और गाड़ी में कोई कमी नहीं निकली, कोई भी कमी, बिल्कुल गाड़ी टोटली ओरिजिनल है, विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली हुई है, मात्र 48,000 किलोमीटर चली है। अब इन्होंने देख लो क्या वैल्यू लगाई है हमारी गाड़ी की, मैं आपको 30,000 रुपये कम से कम मेरी भी ज़्यादा की चली जाएगी, और आपको भी कम से कम 1,00,000 रुपये सस्ती गाड़ी मिल जाएगी। हेलो भाई, मैं सोबित अदाना, और ये बैठे हैं अपने सामने अपने बड़े भाई वासु अदाना। तो भाई 2018 में हमने बलेनो डेल्टा पेट्रोल लिया था, तो उसके सेल्स वगैरह की बात कर रहे थे हम अभी बैठे हुए। बेचनी है गाड़ी, चेंज करनी है, तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो इतने जोर शोर से ऐड करती हैं उन पर वैल्यू चेक करवा के देखते हैं। तो हम बैठे हुए थे भी ऐसी, तो हम स्पिनी वगैरह पे जैसे वैल्यू चेक कर रहे थे, ऐसी वैल्यू चेक कर रहे थे, तो इस पर आई 4,82,000 से 6,17,000 वैल्यू जो स्पिनी पे दिखा रहा है। तो हमने इसका स्लॉट भी बुक कर दिया, तो बंदा 4 बजे के लगभग आने के लिए बोल रहा है, कार की इंस्पेक्शन वगैरह करेगा टोटली चीज़ देख के, तो एग्जैक्ट वैल्यू जब बता के जाएगा। तो ये 2018 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है डेल्टा पेट्रोल में, तो देखते हैं इसकी भाई स्पिनी पे क्या वैल्यू लगाता है। जैसे वो आएगा इंस्पेक्शन वगैरह टोटली चीज आपको दिखाएंगे सारी चीज। स्पिनी तरफ से वो बंदा आ चुका है, भाई और मैं जा रहे हैं दोनों गाड़ी के इंस्पेक्शन करवाने। सोनी का सिस्टम भी लगा हुआ है इसमें, बैक कैमरा भी लगा हुआ है तो इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जल्दी। खड़े भाई अपने भाई, हमें गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन, तो यहाँ तो सर्विस काफी ठीक ठाक मिली, मतलब बहुत जल्दी आ गए। डिग्गी खोलूं? क्या नाम है भाई आपका? जैसे अब यहाँ आगे तुम 1.5 घंटे में गांव में भी पहुंच जाओगे, अगर गांव से करें स्लॉट बुक। गांव देखना पड़ेगा सर कौन सा है भाई, मेरठ में पड़ेगा गांव तो हमारा, तो मेरठ के लिए दूसरे हमारे वैल्यूएटर जाते हैं, हर किसी का क्लस्टर है ना अपना। हाँ, तो एक दूसरे के क्लस्टर में नहीं जाता है। अब जैसे गाजियाबाद के लोकल एरिया वाले गाँव में कोई सा भी गांव हो उसमें चले जाओगे आप। कितनी देर का प्रोसेस हो गया? 35 से 40 मिनट का। 200 पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, तो 200 चेक पॉइंट करेक्ट होने चाहिए जब आवे एग्जैक्ट वैल्यू है उनके हिसाब से। क्या होगा डैमेज? पता नहीं, क्या बता रहे हैं वैसे थे, बताओ ये प्राइस कम करने को। ऐसा नहीं है ना, जो गाड़ी की कंडीशन होगी उसके ऊपर ही आपका प्राइस आएगा। तो बलेनो ही क्या, कोई भी गाड़ी हो अगर गड्ढे में जा रही है, हैवी थोड़ा चोट लग रही है, तो वो तो कोई भी हो इसके तुम 200 में से 250 पॉइंट करेक्ट कर दियो। नहीं किया उतनी याद आनी चाहिए। देख रहे हैं ना हम भी, अगर हम कहीं सेकंड हैंड लेने जाएंगे तो भाई की तरह चेक करेंगे ना एक चीज। मीटर लेंगे भाई से। हैं? मीटर लेंगे भाई से। पीछे वाला 60 है। ये 60 है एक? दोनों या एक? एक कैसे, किसी का ज्यादा? मतलब तू बैठ के चलता है। एक गाड़ी का इंस्पेक्शन हो चुका है कंप्लीट, एक छोटी छोटी चीज बारीकी से देखी है। चलो मिलते हैं। ओके सर, क्या नाम बताया आपने? विपिन। तो धन्यवाद भाई, भाई का नेचर वगैरह बहुत हम्बल है। तो भाई फाइनली 3 दिन के बाद स्पिनी से अपनी गाड़ी का फाइनल प्राइस आ चुका है। इंस्पेक्शन करने के बाद जो फाइनल प्राइस आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये स्पिनी वगैरह का पूरा सच दिखाऊंगा मैं आपको, क्या सच है इनका। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, वो वाला सीन है इनका। तो मतलब इन्होंने हमारी गाड़ी की वैल्यू कम से कम
4,82,000 रुपए लगाई थी और ज्यादा से ज्यादा 6,70,000 समथिंग ऐसी थी, वो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आपके सामने। तो भाई मतलब 200 पॉइंट वो बता रहा था जो इंस्पेक्शन करना आया, और गाड़ी में कोई कमी नहीं निकली, कोई भी कमी, बिल्कुल गाड़ी टोटली ओरिजिनल है, विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली हुई है, मात्र 48,000 किलोमीटर चली है। अब इन्होंने देख लो क्या वैल्यू लगाई है हमारी गाड़ी की, मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट रुको, ये देख लो इन्होंने क्या वैल्यू लगाई है हमारी गाड़ी की, 4,60,000 रुपए। तो भाई मतलब कम से कम 4,82 तो कम से कम लगा ही देते यार, 4,82,000 जब कम से कम तुम दिखा रहे थे। अब गाड़ी में ऐसी क्या कमी है, क्या फॉल्ट है हमारी में जो तुमने 4,60,82 भी ना रहे, चलो 4,60 ही हो गए, पता नहीं भाई मेरी तो समझ से बाहर है इन्होंने किस हिसाब से वैल्यू लगाई है हमारी गाड़ी की। अगर मैं स्पिनी वगैरह से बाहर की मार्केट की बात करूं तो 5,00,000 रुपए से ऊपर की हमारी गाड़ी आराम से सेल हो जाएगी, क्योंकि सिंगल फर्स्ट ओनर है और सब कुछ विद सर्विस रिकॉर्ड है, जो भी काम हुआ है उसमें शोरूम में ही हुआ है, बाकी बाहर तो कोई काम उसमें ऐसा हुआ नहीं है। तो आप लोगों के सामने है सारी चीज। तो भाई मैं तो यही बोलना चाहूंगा, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी। अब स्पिनी वगैरह पे अगर मैं इनकी गाड़ी का प्राइस चेक करवाऊँ आपको, रुक जाओ एक मिनट, अगर डेल्टा पेट्रोल स्पिनी से हम सेल कर रहे हैं तो ये लेंगे 4,60,000 रुपए की 2018 मॉडल, अगर हम वही खरीद रहे हैं तो भाई खरीदने की देख लो है, खरीदने की देख लो 5,92,000 रुपए 2018 डेल्टा पेट्रोल है। तो भाई ऐसा यही इसमें क्या दे रहे हैं, जो कम से कम 1,50,000 रुपए के लगभग इन्होंने रुपए इसमें बढ़ा दिए है। ये तो 2018 मॉडल होगा, 2017 भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, 2019 6,500 से ऊपर पड़ रही है, ये 2017 भी है इसमें, ये तो अल्फा पेट्रोल है, डेल्टा दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ, ये 2020 मॉडल है, 2018 19 20, ये 5,92 की है, ये भी 2018 मॉडल ही है, ये 5,74,000 रुपए की है, 47,000 किलोमीटर ये चली हुई है ये वाली गाड़ी, और ये कितनी चली हुई है, ये चली हुई है 25,000 किलोमीटर। तो भैया पता नहीं है ऐसा क्या करके देने, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा भाई इन ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट अगर कहीं सेल करनी है तो एलेक्स वगैरह पे डायरेक्ट अपना एड रन करके सेल कर लो, इससे सेल करने वाले को भी फायदा होएगा। अगर मैं ओएलएक्स वगैरह पे अपना एड रन करके सेल करता हूँ या डायरेक्ट किसी कस्टमर को सेल करता हूँ तो 20-30,000 रुपए कम से कम मेरी भी ज़्यादा की चली जाएगी और आपको भी कम से कम 1,00,000 रुपए सस्ती गाड़ी मिल जाएगी। तो भाई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के चक्कर मत पड़ो, तो आपने देख लिया टोटली पूरा सच इनका आपके सामने है, क्या वैल्यू इन्होंने दी और क्या हमें मिली है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।